मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको लोटस मेहंदी डिज़ाइन के 10 डिफरेंट तरीके बताने वाली हूँ जो कि आपको अपनी सारी मेहंदी की डिज़ाइन में काम आने वाले हैं। सभी तरीके सबसे अलग होंगे, सभी तरीके थोड़े डिफरेंट होंगे, तो हर तरीके को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। लोटस डिज़ाइन को बनाना कैसे हो उसका पूरा डिटेल तरीका मैंने आपको बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख लें, या वीडियो के अंत में उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो इसे कैसे बनाना है, फर्स्ट फ्लावर को कैसे बनाना है, वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा अगर आप वो वीडियो पहले देख चुके हैं या आपको कमल का डिज़ाइन बनाना आता होगा। तो सेकेंड, मैंने सिर्फ कली का डिज़ाइन बनाया है। लोटस की जो कली अपन बनाते हैं सिंपल सी, मैंने वो ली है, वो भी बहुत अच्छी लगती है बनने के बाद। थर्ड डिज़ाइन में मैं लोटस के डिज़ाइन का ही पूरा शेप देने वाली हूँ, बस उसमें थोड़ा सा लाइनों का चेंजेस रहता है, जो कि वो पूरा सर्कल आ रहा है और पहले जो फर्स्ट वाला फ्लावर था उसमें पत्तियों की डिज़ाइन नीचे नीचे जा रही है और इसमें इतनी नीचे नहीं जा रही है। इसको अपन सर्कल वे में बनाएंगे। साइड की पत्तियों को भी निकालना है, पहले अपन ने ऐसा नहीं किया था। सारे डिफरेंट तरीके रहेंगे, सब में कुछ ना कुछ पत्तियों का ही डिफरेंस रहता है। लोटस का डिज़ाइन बेस लोटस की कली से ही बनता है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं रहता है। मेन चेंजेस पत्तियों में रहता है कि आप उसे कैसे डिफरेंट ले सकते हैं। मैं मेहंदी क्लासेस के 10 डेज के वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। 10 वीडियोस होंगे मेहंदी क्लास के। फर्स्ट में मैंने फ्लावर मेहंदी डिज़ाइन बताया है, सेकेंड में मैं लोटस मेहंदी डिज़ाइन का पार्ट अपलोड कर रही हूँ। 10 डेज की मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, वो आप कभी भी देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं इस फोर्थ फ्लावर की। अभी मैंने इस फर्स्ट और थर्ड वाला जो फ्लावर है उससे डिफरेंट ये है, इसमें कली छोटी है और पत्तियां साइड की बड़ी है। इसे बड़े रखने का रीज़न है ऊपर की जो लाइनें हैं उसे पूरा ये कवर कर सकती है, इसलिए मैंने उसे थोड़ा सा बड़ा रखा है और ऊपर 3 लाइन देने के बाद कंगूरे की डिज़ाइन ली है। सेम थर्ड फ्लावर में मैंने जो किया था, नीचे की तरफ पत्तियों की डिज़ाइन ली थी, वैसे ही मैं ऊपर लूँगी इसमें और इसे पूरा राउंड शेप में कवर कर लूँगी। ये फ्लावर पूरा राउंड सर्कल बनता है, थर्ड वाला हाफ सर्कल बना था, फोर्थ वाला फुल सर्कल में ये बनता है। ये कमल का डिज़ाइन बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है, स्टार्टअप भी इसके साथ आप कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा दिखता है। इसे और अच्छे से दिखाने के लिए इसमें मैंने कुछ लाइनें बना दी है और कुछ अच्छा सा डेकोरेशन कर दिया है इसके अंदर, ताकि ये और अच्छा दिखने लग जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारे फ्लावर कली से स्टार्ट होंगे, इसे भी अपन कली से स्टार्ट करेंगे। बेस आपका परफेक्ट होना चाहिए, मतलब कली बनाना आपको अच्छे से आना चाहिए। कली का शेप आपका अच्छा होगा तो बाकी डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी बनेगी। इस लोटस के डिज़ाइन को आप गल्फ लोटस डिज़ाइन भी कह सकते हो। जैसा कि मैंने अभी तक आपको बताया, गल्फ डिज़ाइन डार्क वाला डिज़ाइन होता है, वैसा ही ये फ्लावर भी बनने वाला है, ये भी पूरा डार्क बनेगा। मैं इस गल्फ पैटर्न वाले फ्लावर को ट्रेडिशनल वे में बना रही हूँ, जिसे मैंने अच्छे से ड्रॉ कर लिया है और अब मैं इसे फिल करूँगी। पहले इसे अच्छे से ड्रॉ कर ले, अगर आपको स्पीड तेज लग रही हो तो आप इसे रिपीट देख सकते हैं या स्पीड कम करके भी देख सकते हैं। अब मैं इसे फिल कर रही हूँ। सारी फिलिंग एक जैसी होनी चाहिए, अच्छी दिखनी चाहिए, ये एक दूसरे में मिक्स नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का आपको खासकर ध्यान रखना है। दोनों साइड की पत्तियाँ एक जैसी बननी चाहिए। गल्फ पैटर्न में आप उसे ट्रेस करके आराम से अपने अकॉर्डिंग उसे शेप दे सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। मैं इसे बिल्कुल कट नहीं करूँगी, आप इसे आराम से देखिए कि ये मैं कैसे फिल कर रही हूँ। इस तरह से आप करेंगे तो ये आपसे काफ़ी अच्छे से बन जाएगा, बिकॉज़ अगर आप इसे बनने के बाद अगर देखते हैं तो ये आपको बिल्कुल नहीं समझ आएगा कि मैंने इसे बनाया कैसे है। तो इसे आप आराम से देखिए, देखने के बाद आपको इजीली समझ आ जाएगा कि मैंने इसे कैसे बनाया है। आई होप आपको फिफ्थ फ्लावर अच्छे से समझ आ गया होगा कि वो कैसे बनाना है। अब अपन आ जाते हैं सिक्स्थ वाले फ्लावर पे। इसमें भी अपन को कली का डिज़ाइन देना है। लोटस की सारी डिज़ाइन में मैं कली का डिज़ाइन लेने ही वाली हूँ, तो आप उसे आराम से बनाइएगा और उसके बाद साइड की डिज़ाइनें बनाइएगा। थर्ड वाले फ्लावर में जो अपन ने किया था वही अपन ने सिक्स्थ वाले फ्लावर में किया है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, जैसे अपन ने फोर्थ वाले फ्लावर में ऊपर की तरफ लाइनें ली थी और कंगूरे की डिज़ाइन बनाई थी, वैसा नहीं करके इसमें हल्का सा लाइन ट्रेस करना है और उसमें सर्कल बनाने हैं छोटे छोटे से, जैसे मैं अभी बना रही हूँ। सर्कल कंप्लीट होने के बाद साइड की पत्तियों के डिज़ाइन अपन बनाएंगे, जैसे अपन ने फोर्थ वाले फ्लावर में बनाया था।
अब इसमें अपन को ये करना है, थर्ड वाले फ्लावर वाला बीच का बेस लेना है और फोर्थ वाले फ्लावर वाली ऊपर की डिज़ाइन अपन को लेनी है। सिक्स्थ वाला फ्लावर अपन ऐसे बनाएंगे। इसके बाद पूरा कंप्लीट होने के बाद मैंने उसमें शेडिंग दे दी है। शेडिंग भी अपन थोड़े थोड़े डिफरेंट तरीके से देंगे ताकि वो थोड़ा और अच्छा लगने लग जाए। सारा अपन एक जैसा शेड करते हैं तो थोड़ा सा अलग दिखता है, और नॉर्मली अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं तो वो थोड़ा और अच्छा दिखने लग जाता है। शेडिंग पूरी होने के बाद साइड की डिज़ाइन अपन डार्क कर देंगे और ये फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा। सेवन्थ फ्लावर में सेम अपन वही प्रोसेस करेंगे जो अपन ने अभी तक किया था। कली का डिज़ाइन बना के पत्तियों की साइड की डिज़ाइन कवर करेंगे। सेम वैसे ही लोटस का डिज़ाइन बनाना है, बस इसमें अब थोड़ा और डिफरेंट करने के लिए मैंने साइड में छोटी छोटी पत्तियों का शेप दे दिया है जो कि बाकी सबसे अलग है। पूरा डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद अपन साइड की लाइनों को डार्क कर देंगे जैसे अपन ने सिक्स्थ वाले फ्लावर में किया था। साइड की डिज़ाइनें डार्क होते ही इस पूरे लोटस के डिज़ाइन का लुक आ जाएगा। पूरा डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद उसका लुक परफेक्ट दिखेगा, एकदम कमल के डिज़ाइन के जैसा। पूरा कंप्लीट होने के बाद उसमें शेडिंग दे देंगे, ये फ्लावर हो गया कंप्लीट। एट्थ वाला फ्लावर में सेम वही डिज़ाइन अपन लेंगे, कली का डिज़ाइन, पत्तियों का डिज़ाइन। पत्तियों का डिज़ाइन पहले नीचे तक आ रहा था, इसमें अपन नीचे तक नहीं लेंगे और ऊपर की तरफ ही अपन ने उसका एंड किया है। ये बहुत ही डिफरेंट है, ये आपने बहुत ही मुश्किल रेयर केस में आपने ये चीज़ देखी होगी। ये एडवांस लेवल के लोटस डिज़ाइन है, इसका यूज़ अगर आप सही तरीके से करेंगे तो ये आपके डिज़ाइन को काफ़ी अच्छा बना सकता है। एट्थ और नाइन्थ दोनों फ्लावर एडवांस लेवल के हैं, आप अगर इसे सीखना चाहते हैं तो इन्हें आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे स्किप करके देख सकते हैं बिकॉज ये एडवांस लेवल के हैं। अगर आपसे बने तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। इसमें शेडिंग देने का तरीका अलग होता है, इसे एक जैसे शेडिंग में नहीं करते हैं, जैसे अपन नॉर्मली करते हैं वैसा नहीं करना होता। इसके शेडिंग करने के सही तरीके से ही आप इसे उठा के दिखा सकते हैं। शेडिंग करने का सही तरीका अगर आपको आता है तो आप इसे इस फ्लावर को काफ़ी अच्छे से बना लेंगे। पूरा फ्लावर डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद साइड की डिज़ाइन डार्क कर देना है, एंड में कली के एंड में जो अपन डिज़ाइन देते हैं वैसा अपन को डिज़ाइन देना है और एक पत्ती का डिज़ाइन बना देना है। अभी तक जैसे अपन ने स्ट्रेट कली का डिज़ाइन बनाया है, अपन को वैसा डिज़ाइन नहीं बनाना है, अपन को इसमें हॉरिजॉन्टल कली का डिज़ाइन बनाना है और उसके आसपास कली के डिज़ाइन जैसा शेप देना है। पत्तियों की सारी साइज़ कली के डिज़ाइन की होगी और नाइन्थ फ्लावर कली के डिज़ाइन के शेप में ही कंप्लीट होगा। एक पर्टिकुलर शेप आने के बाद अपन इसमें शेडिंग देना स्टार्ट करेंगे। अपन ने इसे कली के शेप वाले डिज़ाइन से बनाया है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी कलियों की डिज़ाइन ही इसमें ली है और पत्तियों की डिज़ाइन कम ली है। आखिरी में नीचे की तरफ जो डिज़ाइन है वो पत्ती के शेप में है और बाकी सब कली के शेप में, बड़ी डिज़ाइन ही है। सारी डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद मैंने शेडिंग देना शुरू की है। मैं सर्कल में शेडिंग दे रही हूँ, शेडिंग का भी मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगी जिसमें मैं शेडिंग देने के सारे तरीके आपको बता दूँगी। इसके साथ ही मैंने पूरे शेडिंग देने के बाद इसे एंड में साइड से डार्क कर दिया है, आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। आप देख सकते हैं शेडिंग देने के बाद इस फ्लावर का पूरा लुक चेंज हो चुका है। शेडिंग देने का सही तरीका अगर आपको आता है तो आप बहुत सारी चीज़ें इजीली कर सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया हो तो जल्दी से कोन और एक पेपर लेके तैयार हो जाइए और वापस से ये वीडियो देखिए। जैसे जैसे मैं बना रही हूँ वैसे वैसे आप बनाइए तो ही आप इसे परफेक्ट बना पाएंगे, उससे आपकी प्रैक्टिस भी इजीली हो जाएगी। नेक्स्ट फ्लावर में बनाने वाली हूँ लोटस में बंदेज का डिज़ाइन, इसे आप चुंदर डिज़ाइन भी कह सकते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है। कली के डिज़ाइन बनाने के बाद पत्तियों की डिज़ाइन भी अपन को बड़ी ही बनानी है, इसलिए आप कली के डिज़ाइन भी बड़ी ही बनाइएगा ताकि उसके अंदर अपन एक और लाइन बना सके जैसे मैंने बनाई है। उसके बाद अपन उसमें छोटे छोटे बॉक्स बना देंगे जैसे मैं बना रही हूँ। अगर आप सेम ऐसे ही बनाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। पूरे फ्लावर में अपन को लाइनें बनानी है, बॉक्स क्रिएट करने हैं सेम साइज़ के। ये बनने के बाद अपन साइड की लाइन को डार्क कर देंगे, एक अच्छी मोटी सी लेयर से उसे कवर कर देंगे।
आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। इस वीडियो से आपने अगर थोड़ा सा भी कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कौन कहाँ पतला चलाना है, कहाँ मोटा चलाना है, इस चीज़ का आपको परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। अगर आप वो चीज़ अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके लिए कोई भी डिज़ाइन को बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। साइड की लाइनें डार्क करने के बाद अपन बीच में से भी जो भी बचा पार्ट डार्क कर देंगे, बाकी बॉक्स में अपन को डॉट बनाने हैं, पूरे बॉक्स में अपन को डॉट बनाने हैं, बची जो जगह है वहाँ पे डार्क करना है। आपने सभी फ्लावर्स को अच्छे से समझ लिया होगा, सभी लोटस के डिज़ाइन को भी अच्छे से समझ लिया होगा, तो इन दोनों क्लासों की प्रैक्टिस आपको जल्दी से करनी है मेरा नेक्स्ट वीडियो आने से पहले। आपको कौन सा लोटस का डिज़ाइन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय बाय।